हेलो एंड वेलकम बैक आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के पोर्शन को जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कैपिटलिज्म इस वीडियो में हम कैपिटलिज्म के मीनिंग एंड फीचर्स को समझेंगे सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिज्म इज इसेंशियल टू मेक अ सेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इफ़ मार्केट एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक लिबर्टी इज द कैनल ऑफ़ कैपिटलिज्म देन देयर आर हार्डली वन और टू कंट्रीज़ ऑन दिस अर्थ विच डोंट फॉलो वन और अदर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए हम सभी कैपिटलिज्म के ज़माने में जी रहे हैं या ये पूरी दुनिया ही कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी से इतनी गाइडेड हो चुकी है कि आज हर एक कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री बन चुका है हमारी हर एक एक्टिविटी पर कि हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं कैसे इंजॉय करते हैं कैसे खाना पीना है ये सब जो है ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी या फिर डॉक्ट्राइन से पूरी तरह प्रभावित है द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ मैनी लिबरल इकोनॉमिस्ट मोस्ट प्रोमिनिएट अमंग वॉज एडम स्मिथ हु प्रपाउंडेड द आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड विच सेज डेट इफ एवरी वन पर हीज ऑब्लिक हर ऑन गुड इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू सोशल गुड देखिए जो ये आइडियोलॉजी है यानी कि जो कैपिटलिज्म है ये बेस्ड है ऑन द राइटिंग्स ऑफ मैनी लिबरल इकोनॉमिस्ट जिसके अंदर मोस्ट प्रोमिनियट जो आता है वो है एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है उन्होंने प्रोपाउंड किया था आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड जिसके अंदर उनका कहना था कि इफ एवरी वन परस्यू हीज ऑब्लिक हर ऑन गुड इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू सोशल गुड देखिए जो इनविजिबल हैंड है जिसके अंदर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं ये जो फॉर्मूला है ये भी एडम स्मिथ द्वारा ही प्रपाउंड किया गया था आइए एक बार एडम स्मिथ को हम जान लेते हैं सो एडम स्मिथ वॉज एन एटीनथ सेंचुरी स्कॉटिश फिलोसफर ये जो थे ये एटीनथ सेंचुरी के स्कॉटिश फिलासफर थे ही इज़ क्रेडिट और बींग द पाइनर ऑफ़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है इन हीज फेमस बुक फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस ही हैज़ गिविन द आइडिया ऑफ इन्विजिबल हैंड इन्होंने अपनी फेमस बुक के अंदर जो थी द वेल्थ ऑफ नेशंस इसके अंदर इन्होंने आइडिया ऑफ इनविजिबल हैंड को दिया ही बिलीव डैट रेशनल ह्यूमन बींग इन अ फ्री मार्केट इन्वायरमेंट विल लीड टू प्रोस्पेरिटी इन सोसाइटी स्मिथ आइडिया मेक द बेड रॉक ऑफ लिबरल इकोनॉमिक फिलोसफी आइए अब बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म कि आखिरकार ये जो कैपिटलिज्म है इसका मीनिंग क्या है ठीक है कैपिटलिज्म इज़ वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम आ सोशल सिस्टम एन आइडियोलॉजी और इवन आ टाइप ऑफ स्टेट पब्लिक गवर्नमेंट देखिए जो कैपिटलिज्म है इसको वेरियसली डिस्क्राइब किया जाता है एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरह एक सोशल सिस्टम की तरह एक आइडियोलॉजी की तरह और इवन अ टाइप ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट की तरह कैपिटलिज्म इज़ अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल राइट्स पॉलिटिकली इट इज द सिस्टम ऑफ लेजिस्फेयर दैट इज़ फ्रीडम लीगली लीगली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉज रूल ऑफ लॉ एज अपोज टू रूल ऑफ मैन इकोनॉमिकली वैन सच फ्रीडम इज अप्लाइड टू द sphere of प्रोडक्शन इट्स रिजल्ट इज द फ्री मार्केट देखिए जो कैपिटलिज्म है इसको एक सोशल सिस्टम माना जाता है जो कि बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल राइट इंडिविजुअल राइट के प्रिंसिपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है अगर हम पॉलिटिकली माने तो इट इज़ सिस्टम ऑफ लेजिस्फेयर यानी कि फ्रीडम अगर हम कैपिटलिज़्म की सिंपली डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो बनती है प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट बाय प्राइवेट एंटिटी यानी कि देखो यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है वो किसके लिए हो रहा है प्रॉफिट अर्न करने के लिए और किसके थ्रू एक प्राइवेट एंटिटी के थ्रू सो so, देखिए इसमें थ्री वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पहला है प्रोडक्शन सेकेंड है प्रॉफिट एंड देन लास्ट है प्राइवेट एंटिटी देखिए इसके अंदर प्रोडक्शन यानी कि इसके अंदर कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है ठीक है किसके लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए कि प्रॉफिट कमाने के लिए ठीक है किसके थ्रू एक प्राइवेट एंटिटी के थ्रू इसमें कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है कोई पब्लिक स्पेयर नहीं है इसमें क्या है प्राइवेट एंटिटी है अगर हम इसको इलेबोरेट कर, कर देखें तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये है कि अ मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किस तरह प्रोडक्शन हो रहा है या फिर किस तरह प्रोडक्शन को मैनेज किया जा रहा है ठीक है इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कि किसके थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है जैसे लैंड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी कैपिटल एंटरप्रेनरशिप ठीक है आर ऑन बाई वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीड क्लास हु परचेज वेज लेबर फ्रॉम वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रॉपर्टी लेस क्लास सो देखिए इसमें यह है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि प्रोडक्शन किस तरह किया जा रहा है ठीक है एंड बाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है इस सब को ऑन किया जाता है एक वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीड क्लास जिसके पास प्रॉपर्टी है उस क्लास उस क्लास को ये ऑन किया जाता है ठीक है या फिर जो संपत्ति वाली क्लास है वो उस प्रोडक्शन को ऑन करती है जो कि परचेज़ करती है वेज लेबर फ्रॉम वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रॉपर्टी लेस क्लास ठीक है जो संपत्ति में ज़्यादा नहीं है उनको ये एक लेबर फॉर्म की तरह उपयोग करती है आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैपिटलिज़्म आखिरकार है क्या आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं जिससे कि और ज़्यादा खुलकर कैपिटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आएगा देखिए इसके अंदर जो है वो होता है कैपिटल कैपिटल यानी कि मनी ठीक है जो चीज़ों को प्रोड्यूस करता है वो मनी लगाता है कैपिटल लगाता है कैपिटल वो होती है जिसको हम खर्च नहीं करते हैं बल्कि उस मनी को हम किसी प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं ठीक है वो होती है कैपिटल कैपिटल से हम बाय करेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को या फिर लेबर को ठीक है जैसे कि लैंड खरीदेंगे एंटरप्रेनरशिप लेंगे तो ये सब जो है और लेबर लेंगे तो इन चीज़ों को हम खरीदेंगे बाय कैपिटल ठीक है टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेंगे क्या प्रोडक्ट या फिर सर्विस टू सेल फोर और हम जो जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है उसको सेल करेंगे फॉर मनी प्लस प्रॉफिट मनी प्लस प्रॉफिट के लिए ठीक है अब देखिए जो ये प्रॉफिट है अभी इंक्रीज़ कैसे होगा तो जो ये प्रॉफिट है ये इंक्रीज़ होगा लेबर प्रोडक्टिविटी से ठीक है अब देखिए प्रॉफिट क्या है जो प्रॉफिट है ये है सर प्लस लेबर सपोज की आप सपोज़ कीजिए जैसे कि कोई कार है टॉय बनाने की कोई फैक्ट्री है या कंपनी है ठीक है वो जो कार है जो वो प्रोडक्ट है उसकी जो कीमत है वो दो सौ रुपये है मार्केट में ठीक है और जो लेबर जो लेबर है उसकी जो पावर है उसको सिर्फ फिफ्टी रुपीज़ मिल रहे हैं ठीक है यानी कि जो डेढ़ सौ रुपये जो ऊपर की कमाई है वो क्या है प्रॉफिट है वो सर प्लस वैल्यू है सर प्लस लेबर है ठीक है अब देखिए जो ये ऊपर की कमाई हुई है डेढ़ सौ रुपये ठीक है इसको जो है जो कैपिटलिस्ट है वो लेबर को नहीं देता है बल्कि जो वो प्रॉफिट है जो वो सर प्लस लेबर की जो वैल्यू है उसको वो रिटेन कर देता है या फिर री इन्वेस्ट कर देता है अपने ही कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन में इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि मार्केट मेडिएटेड एंड क्लास बेस्ड सोशल रिलेशन देखिए जो कैपिटलिज्म है ये केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही एक्सपेंड नहीं करता है बल्कि ये एक सोशल रिलेशन को भी प्रोड्यूस करता है ठीक है मार्केट के थ्रू आइए कुछ सेंट्रल आइडियाज़ को देख लेते हैं जो इनहेरेंट हैं किसी भी मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म में जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी टू मेक प्रॉफिट इसमें मनी को इन्वेस्ट किया जाता है टू मेक प्रॉफिट सेकंड जो है वो ये है कि वेज लेबर इज़ सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। जो वेज लेबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कैपिटलिज्म के सिस्टम में थर्ड जो है वो ये है कि लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट का जो है वो एक लिमिटेड रोल होता है इन इकोनॉमिक स्पेयर एबसेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग और इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट इसमें एबसेंस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग और इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट लास्ट जो है वो ये है कि कंपटीशन एट एवरी लेवल जो कैपिटलिज्म है इसके अंदर कंपटीशन हर एक लेवल पर होता है इन द की टू इफिस इन कैपिटलिज्म आ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बायर्स एंड सेलर्स वर्क इन देअर सेल्फ इंटरेस्ट इसमें जो है एक लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स बायर्स अभी जो सेलर्स होते हैं वो वर्क करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सो so, कैपिटलिज्म में जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होता है वो होता है लैंड यानी कि ज़मीन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, कैपिटल जो है वो वो एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ठीक है कैपिटल को होना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एंटरप्रेनरशिप एंड लेबर देखिए जो कैपिटलिज्म होता है इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ऑन नहीं करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को जैसे कि आप सपोज़ कीजिए किसी भी आप कार फैक्ट्री में हैं तो जो उसमें लेबर है वो ये नहीं कहेगी कि मैं इस कार को ऑन करता हूँ ठीक है तो यही इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि प्रोड्यूसर्स डू नॉट ऑन द प्रोडक्ट सर प्लस लेबर एक्सप्रोप्रिएटेड बाय इकोनॉमिक मीन्स इसमें जो सरप्लस लेबर होती है यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसको एक्सप्रोप्रिएट कर लिया जाता है छीन लिया जाता है टेक अवे कर दिया जाता है बाय इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक मीन्स के लिए इसमें जो एक्सप्रोप्रिएटिंग क्लास जो होती है वो होती है कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि बोर्जियास जो छीनते हैं ठीक है और जिनसे छीना जाता है वो होते हैं प्रोलेटेरिएट ओके आइए अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म कि कैपिटलिज्म के आखिरकार क्या क्या फीचर्स हैं सबसे पहले बात करें तो इसमें वही आता है कि प्रोड्यूसर्स लूज इज ऑनरशिप ऑन हिज ऑन हिज प्रोड्यूस यानी कि जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पर लेबर की कोई भी ऑनरशिप नहीं है ठीक है जो लेबर होते हैं वो अपनी लेबर जो लेबर पावर है उसको सेल कर देते हैं ठीक है सेकंड जो है वो ये है कैपिटलिस्ट क्लास टेक अवे सर प्लस लेबर जो कैपिटलिस्ट क्लास है जो बोर्जियास हैं वो टेक अवे वो छीन लेते हैं सरप्लस लेबर को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट की फॉर्म में एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोइटेशन नॉट बाय कोहर्सन बट बाय इकोनॉमिक मींस किसी भी एक्सप्लोइटेशन के थ्रू या फिर कोई एक्सट्रैक्शन के थ्रू नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक मीन्स के थ्रू बड़े प्यार से वो इस प्रॉफिट को अपने पास रख लेते हैं एक्सप्लोटेशन बाई इन्हेंसिंग लेबर प्रोडक्टिविटी थर्ड जो है वो है कि कैपिटलिस्ट क्लास ऑल्सो गेंड पोलिटिकल सुप्रीमेसी जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वो गेंद करती है पोलिटिकल पावर एंड इंटेलक्चुअल लीडरशिप बिकेम एलिट्स लेबर क्लास ठीक है ये कि, और या फिर मास डिपेंडेंसी एंड सब ऑर्डिनेट क्लास रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास देखिए इसमें डिपेंडेंसी होती है और सब ऑर्डिनेट होती है क्लास रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास थ्रू आ मार्केट जिसको हम पहले भी समझ चुके हैं अगर इसमें कैपिटलिस्ट स्प्रिट की बात करें तो इसमें आता है कम्पिटिवनेस यानी कि कंपटीशन होना बहुत जरूरी है अगर आप कम्प अगर आप कंपटीशन कर सकते हैं तो ही आप प्रोडक्शन करें या अगर नहीं कर सकते तो ना करें ठीक है एंटरप्राइजिंग होना चाहिए इनोवेटिव होने चाहिए ठीक है एक दूसरे एक दूसरे से जो कंपनी है उसको टक्कर दें ऐसा होना चाहिए इम्पर्सनल होना चाहिए लिबरल होना चाहिए डेमोक्रेटिक होना चाहिए ये जो कैपिटलिज्म है ये एक डेमोक्रेटिक लिबरल आइडियोलॉजी भी है ठीक है सो आई होप आपको फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म अच्छे से समझ आ गए होंगे आइए अब जान लेते हैं कि बोर्जियाजी कौन है और प्रोलेटरेट कौन है तो बुर्जियासी जो हैं वो एक राइजिंग हुए हैं मिडल क्लास इन द पोस्ट फेडरल यूरोप पोस्ट फेडरल यूरोप में जो बोर्जियास हैं वो राइज हुए ठीक है जिसके अंदर ट्रेडर्स थे मर्चेंट्स मर्चेंट थे प्रोफेशनल्स थे स्मॉल वर्कशॉप ऑनर्स थे ठीक है ये कौन थे ये बोर्जियासी थे और प्रोलेटेरिएट कौन थे ये थे क्लास ऑफ प्रॉपर्टी लेस वेज वर्कशॉप सॉरी वर्क हु सोल्ड देयर लेबर पावर टू द बोर्जियास ये वो थे जो अपनी लेबर पावर को सेल कर देते थे सोल्ड कर देते थे बोर्जियासी के लिए ठीक है बाय हु सरप्लस लेबर कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मीन्स कैपिटलिस्ट जो थे वो प्रोलेटेरिएट को लाते थे अपने मीन्स ऑफ प्रॉफिट के लिए सो so, सिंपली बात यह है कि जो बोर्जियासी है वो अपर क्लास है ठीक है जो प्रोडक्शन करते हैं जो जिनके जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है और जो प्रोलेटेरिएट है वो लेबर पावर है जो लेबर्स होती हैं जो बोर्जियासी के लिए अपना लेबर पावर जो है वो देती हैं सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपको कोई भी कमी नज़र आई हो इस लेक्चर में इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सो इस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे होम स्टे सेफ स्टे इन डोर्स